स्टूडेंट्स वेलकम टू सुम्या इंग्लिश प्राइमरी स्कूल स्टैंडर्ड फिफ्थ सब्जेक्ट मराठी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 खेलुया शब्दांशी। खेलुया शब्दांशी का मतलब क्या होता है? खेलुया यानी खेलना और शब्दांशी यानी अल्फ़ाबेट्स, जो वर्ड्स होते हैं उनके साथ में हमें खेलना है। यहाँ पर हमें 12 खड़ी के वर्ड्स दिए गए हैं जिनको हमें पढ़ना है और उन वर्ड्स के साथ में खेलना है। जैसे हमारे इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स होते हैं, ए बी सी डी हम लोग पढ़ते हैं, वैसे ही मराठी में भी जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं आज हम यहाँ पर उसको रीड करेंगे। यहाँ पर हमें स्टार्टिंग में नीचे दिखाया गया है शुरुआत, यानी यहाँ से हमें क्या करना है, शुरू करना है। फर्स्ट लेटर हम पढ़ेंगे अ आ ई ई ऊ ऊ ए आए ओ अ अम आहा क ख ग घ च छ ज झ ट ठ ड ढ त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श श स ह श न्य। यहाँ पर हमें इन वर्ड्स के आजू बाजू में कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं। ये जो पिक्चर्स है जैसे कि अ से अनानास, ई से इमारत, प से पतंग, ध से धनुष, यहाँ पर ये सब पिक्चर्स हमें दिए गए हैं। इन वर्ड्स के साथ में इन वर्ड्स को लेकर हमें उस पिक्चर्स को जॉइन करना है। जैसे कि यहाँ पर घर दिया है तो घ से आएगा घर, च से आएगा चमचा, स से आएगा ससा, ह से आएगा हरिन, न से आएगा नर। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारा ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 खेलुया शब्दांशी, इसका एक्सप्लेनेशन यहीं पर एंड होता है। थैंक यू।